शिवपुरी जिले की नरबर तहसील की नगर परिषद मगरौनी में 1 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। शहर के वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद के सीएमओ, अध्यक्ष और इंजीनियर पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही शिवपुरी कलेक्टर और संयुक्त संचालक ग्वालियर को आवेदन देकर जांच कराने की गुहार लगाई है। पार्षदों का कहना है कि सीएमओ, अध्यक्ष और इंजीनियर ने परिषद कार्यालय में उपयोग की जाने वाली सामग्री बाजार की कीमत से अधिक दर पर खरीदकर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया है। खरीदी गई सामग्री 50% पर खरीदकर 100% राशि का भुगतान किया गया है। खरीदी गई सामग्री में लाइट, एलईडी बल्ब, फायर ब्रिगेड, फॉग मशीन, केमिकल पाउडर, एक्सरसाइज मशीनें, बच्चों के झूले, स्पीड ब्रेकर समेत अन्य चीज़ें शामिल है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड पार्षदों ने कहा कि कार्यालय से सीएमओ जेएन पारा की 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति हुई है, जिसके चलते नगर परिषद और सीएमओ ने साठ गांठ कर अवैध रूप से राशि लेकर बिना प्रस्ताव पारित कर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बिना ही कर्मचारियों की भर्ती और मानदेय का भुगतान भी कर दिया। वहीं इस पूरे मसले को लेकर नरबर तहसीलदार अमित दुबे ने कार्यालय में खर्च की गई राशि का रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त कर जांच के लिए ग्वालियर संयुक्त संचालक कार्यालय भेज दिया है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर से जब बात करनी चाहिए तो चुनावी माहौल में व्यस्त होने के चलते उनसे संपर्क नहीं हो सका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखना होगा कि अब इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और अगर होगी तो कब तक एक्शन होगा। नहीं तो क्या इसके लिए कोई शिकायत नहीं थी? कोई नगर पंचायत वाले सुने, कोई ऊपर वाला कोई नहीं सुनता, मतलब वो लाइट वाले भी नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुनता। तो दिया है दो चार बार, कोई नहीं सुनता। कहाँ पार्षद भेजा है, लेकिन यहाँ पर सीएमओ साहब, अध्यक्ष साहब और इंजीनियर, इन तीनों की मिली भगत से यहाँ पर करप्शन के मारे 1% भी नगर परिषद का कोई विकास नहीं हुआ। जैसे इन्होंने खरीदी पे तो बहुत ज़्यादा घपला किया हुआ है, और हमारे यहाँ एक काम लगा था मेरी वार्ड में, वार्ड नंबर 15 में नल्ले का, वो भी आज 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। मामला ये है, माफ़ी की ज़मीन है कुछ, हाँ कुछ वो 1276 कब्रस्तान है, हाँ अन्य आदमियों ने मकान बना लिए। अच्छा, मतलब कब्रस्तान की ज़मीन पे मकान बना लिए? हाँ, तो उसको क्या हटवाना चाहते हो? कब्रिस्तान हमारी है तो कलेक्टर साहब ने भी लिख के दे दिया है, कब्जा हटाया जाए। वार्ड 14 और 15 दोनों में आता है, और ये गंदगी कम से कम 3 या 4 दिन या 5 दिन तक डली रहती है, उसके बाद ट्रैक्टर वाले एक बार में तो पूरा भर के नहीं ले आते। इधर ये एरिया को तो बिल्कुल आज तक कभी भरा ही नहीं उन्होंने, आगे तक वहाँ तक देखो कभी नहीं गए। यहाँ आएंगे बोलते हैं इधर की इधर करो, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब यहाँ सफाई जो है बिल्कुल नहीं कराई है? नहीं, और कम से कम एक दिन दो दो तीन तीन दिन बाद कोई भी झाड़ू लगता है, और भाई जान कभी लगता नहीं, आए तो टोटली नहीं लगा पूरे में, मतलब ऐसी गंदगी। तो ये पूरा मामला शिवपुरी जिले की निरबर तहसील का है, जहां पर करोड़ों रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप सीएमओ पर लगे हैं। बता दें कि सीएमओ की 31 अक्टूबर को ही सेवानिवृत्ति हुई है, इससे पहले ही उन्होंने कई प्रकार के घोटाले किए हैं। ये आरोप नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने लगाए हैं। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर और संयुक्त संचालक से भी शिकायत की है और मांग की है कि इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई की जाए और जाँच भी की जाए। बता दें कि शहर के वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद के अध्यक्ष, सीएमओ और इंजीनियर पर भी घोटाले करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार अमित दुबे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका एमके न्यूज चैनल में, लेकिन आपसे यही जानना चाहूंगा कि सर, नगर परिषद मगरौनी में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नगर परिषद के अध्यक्ष, सीएमओ और इंजीनियर पर लगे हैं, इस पूरे मामले को लेकर सर क्या कुछ कहना है आपका? के परिषद के पार्षदों के द्वारा शिकायत की गई है, और एक ही साथ अलग अलग संस्थाओं पे भी उनकी शिकायत की गई है। तो नगरीय विकास के जॉइंट डायरेक्टर के पास अभी सारा रिकॉर्ड जमा है, वहीं पे उनकी पैरेलल रूप से जांच चल रही है अभी इस मामले। तो सर, किस प्रकार की जांच चल रही है? क्या विभागीय जांच चल रही है या फिर कलेक्टर स्तर से चल रही है, जीडी कार्यालय में कहां कुछ जांच चल रही है? और अगर सर जांच में अगर सही साबित होता है तो इस पूरे मामले को लेकर उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि अब जो सीएमओ है उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है 31 अक्टूबर को। जी, क्या है कि अलग अलग
प्लेटफॉर्म पे उनके द्वारा शिकायत की गई है, साहब कलेक्टर साहब के साथ भी, और वहाँ पे अब एक ही समय पे जांच चल रहेगी, इसलिए अभी उनके विभागीय जो है ज्वाइंट डायरेक्टर उनके द्वारा की जा रही है, और अगर जांच में दोषी सिद्ध पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी जो खारिजी के मामले हैं और जो भ्रष्टाचार के मामले। जी बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सीएमओ का, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो क्या उनसे रिकवरी होकर उन पर एफआईआर होगी? जी दोषी तो चाहे सेवानिवृत्त हो चाहे सेवामुक्त, जो अगर दोषी किसी चीज के पाए जाते हैं तो उस पर तो कार्रवाई होती ही है, उसका सेवानिवृत्ति से कोई संबंध नहीं है। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये नगर परिषद मगरौनी का पूरा मामला था जहां पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। पार्षदों ने सीएमओ, इंजीनियर और नगर परिषद के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और इसके साथ अब पूरे मामले की शिकायत जब कलेक्टर से की गई, संयुक्त संचालक से की गई, ज्वाइंट डायरेक्टर से की गई, तो इस पूरे मामले को लेकर जांच भी बैठी गई है। हालांकि अभी तहसीलदार साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, जो भी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो दस्तावेज है जो उन पर फॉगिंग मशीन और तमाम प्रकार के जो इक्विपमेंट थे नगर परिषद से जुड़े, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या फिर और कुछ इक्विपमेंट हो, ये सारी इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, ये सामग्री खरीदी गई, और इन्हीं खरीदी में घोटाले के आरोप भी लगाए गए। पार्षदों ने कहा कि सीएमओ, अध्यक्ष और इंजीनियर ने परिषद कार्यालय में उपयोग की जाने वाली तमाम सामग्री बाजार की कीमत से अधिक दर पर खरीद कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया। और नरवर से हमारे संवाददाता कमर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर खान जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने तहसीलदार साहब से बात की, तहसीलदार साहब ने पूरे मामले को लेकर कहा कि हाँ, इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, जेडी कार्यालय में जांच चल रही है, ज्वाइंट डायरेक्टर है वो इस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि पार्षदों ने किस आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किन किन पर आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला, बारीकी से आप पूरी बात रखिए। मनीष जी, ये पूरा मामला मगरौनी नगर परिषद से जुड़ा हुआ है जी, और यहाँ जो पार्षदों ने जो आरोप लगाए हैं, करीब आधा दर्जन पार्षद है, मतलब 15 पूरे वार्ड है, 15 वार्डों में 15 पार्षद है इस उसमें नगर परिषद में क्षेत्र में जी, और उनमें से करीब आधा दर्जन पार्षदों ने ये आरोप लगाया है इनके ऊपर, एक तो खरीदी में वो खरीदी का जो है फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है, खरीदी में सामग्री खरीदी में, दूसरा जो है जो भर्ती की गई है कर्मचारियों की अस्थायी तौर पर, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा इन लोगों के द्वारा किया गया है जी, और भी जो है जो शिकायतें काफी इनकी काफी लंबे समय से सीएमओ की शिकायतें मिलती आ रही है, जो छोटे मोटे काम है या कुछ लोगों के ऐसे बहुत से काम है नगरवासियों के जो काफी पेंडिंग डले हुए हैं, उन पर सीएमओ ध्यान नहीं देते हैं जी, तो ये जो पार्षदों को जैसे इनके द्वारा जो किसी भी काम का अगर कोई प्रोपेंडा तैयार किया जाता है पार्षद द्वारा, तो सभी पार्षदों को जो है बुला के उन्हीं के समक्ष सारा मतलब मामला रखने के बाद में किसी चीज का ये जो है प्रोसेस तैयार करते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद कभी जो है मीटिंगों में बुलाया नहीं जाता है जी, इन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, और कहीं ना कहीं अगर इन लोगों ने आरोप लगाए तो उसमें कुछ स्पष्टता होगी जी। लेकिन यहाँ पर कई प्रकार की सामग्रियों का आपने जिक्र किया है, जो कि आपने खबर भेजी है, इसमें बताया गया है कि जो लाइट है, एलईडी बल्ब है, फायर ब्रिगेड की मशीन है, फॉग मशीन है, केमिकल पाउडर है, एक्सरसाइज की जिम मशीन है, बच्चों के झूले, स्पीड ब्रेकर, ये तमाम प्रकार के जो इक्विपमेंट खरीदे गए, जब इनका प्रस्ताव बनकर तैयार हुआ तो क्या जो उच्च अधिकारी थे उनसे परामर्श लिया गया, और क्या जो वार्ड के पार्षद थे उनको बुलाकर कि उनसे परामर्श लिया गया, उनकी सहमति ली गई कि हम इस प्रकार के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, नगर परिषद जो सीएमओ और अध्यक्ष के द्वारा कभी शायद इन लोग को मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, वो तो ये जब सामग्री खरीदने आई है सामने तो तभी तो ये उस ये सारी चीजों का, अच्छा ये सामग्री में भी ये कंडीशन है कि केमिकल वहाँ मंगा के जरूर रखा है, लेकिन आज तक वहाँ नगरवासियों को, जब मेरी वहाँ मौके पर जाकर बात हुई तो नगरवासियों को ये कहना था कि भैया यहाँ कभी ना दवा छिड़की जाती,
ना कभी यहाँ फॉग मशीन का इस्तेमाल किया जाता, आज तक उन्होंने ये देखा ही नहीं है। और यहाँ करीब जो है लगभग 20 लाख रुपए की अभी तक लाइट से संबंधित सामग्री खरीदी गई है, लेकिन कुछ बाढ़ आज भी वहाँ ऐसे मौजूद है जाके रात पूरी रात जो है अंधेरा ही रहता है जी। यानी कि जो मशीनें खरीदी गई हैं, जो इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, उनका जनता की यूज के लिए उपयोग नहीं किया गया। तो तमाम जानकारी के लिए कमल जी आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता दें, नगर परिषद मगरौनी से ये सामने आई, जहां पर सीएमओ, अध्यक्ष और इंजीनियर पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। पार्षदों ने आरोप लगाया कि जो भी सामान खरीदे गए हैं उस पर सीएमओ ने भ्रष्टाचार किया हुआ है।